खंडवा शहर में एक नवजात बच्चे की खरीद फरोख्त का मामला सामने आया। शहर के नामचीन डॉक्टर्स द्वारा अवैध रूप से प्रसव करवाने के बाद बच्चे को बेचने की तैयारी की जा रही थी। जिस महिला को नवजात सौंपा गया था उसने मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक से शिकायत की थी, जिसके बाद पुलिस ने शनिवार देर रात निजी नर्सिंग होम के 2 डॉक्टर, 1 नर्स और निजी क्लिनिक के 2 लोगों सहित 5 पर केस दर्ज किया है। 4 आरोपियों की गिरफ्तारी रात में ही हो गई। महिला डॉक्टर फरार बताई जा रही हैं। खंडवा निवासी एक महिला द्वारा पुलिस अधीक्षक को आवेदन देकर शिकायत की गई थी कि पड़ावा रोड स्थित स्वाति फार्मा के नाम से संचालित क्लिनिक के कथित डॉक्टर सौरभ सोनी ने डॉक्टर रेणु सोनी के हॉस्पिटल में एक नाबालिग का अवैध प्रसव कराया, जिससे पैदा हुए नवजात को उसे संभालने के लिए 4 दिन पहले दिया गया था। अब डॉक्टर द्वारा उससे बच्चा वापस मांगा गया तो उसे शंका हुई, जिसके आधार पर महिला ने जांच की मांग की थी। सीएसपी ललित गठरे ने मामले में जांच शुरू की तो अवैध गर्भपात कराकर बच्चे को बेचने का मामला सामने आया। पुलिस ने स्वसंज्ञान लेकर मामले में केस दर्ज कर कथित डॉक्टर सौरभ पिता राजेश सोनी, स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रेणु पति डॉक्टर भरत सोनी, नर्स संजुला पति दीपक पटेल, निजी क्लिनिक का कर्मचारी मोहसिन पिता मोहम्मद खान और कमलेश रामदास नरवरिया के खिलाफ जेजे एक्ट, आईपीसी और पॉक्सो एक्ट की विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर हिरासत में लिया। डॉक्टर रेणु सोनी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई थी। पड़ावा स्थित स्वाति फार्मा के नाम से कथित डॉक्टर सौरभ सोनी मेडिकल का होलसेल बिजनेस भी करता है और क्लिनिक भी चलाता है। स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रेणु सोनी अमीर मेडिकल के ऊपर अपना क्लिनिक चलाती हैं। सूत्रों के मुताबिक यहां अवैध गर्भपात और अवैध प्रसव का खेल भी लंबे समय से चल रहा है। अवैध प्रसव से पैदा हुए नवजात बच्चों को बेच भी दिया जाता है। ताजा मामले में भी नवजात बच्चे को 2.5 लाख रुपए में बेचे जाने तैयारी चल रही थी। जिस महिला को बच्चा दिया गया था उसने घबराकर पूरी कहानी पुलिस के सामने सुना दी। जिस नवजात बच्चे को बेचने की तैयारी की जा रही थी वो किसी नाबालिग किशोरी का बताया जा रहा है। खंडवा जिले की 16 वर्षीय किशोरी का परिजन द्वारा यहां गर्भपात के लिए लाया गया था। समय पूरा होने के कारण प्रसव कराना पड़ा, जिसके बाद परिवार नवजात को वहीं छोड़कर चला गया था। अवैध गर्भपात कराने, बच्चे को बेचने के मामले में डॉक्टर सोनी सहित 5 लोगों पर केस दर्ज किया गया है, जिसमें जेजे एक्ट की धारा 81, आईपीसी 120B, 176, 19/21, पॉक्सो एक्ट में 4 को हिरासत में लिया गया। इस मामले में अभी जांच चल रही है। दिनांक 23 को एक महिला यहाँ पे कार्यालय में शिकायत किया था और उसको संदेह था कि उसको एक बच्चा जो सेफ कीपिंग के लिए दिया गया था, जो न्यू बॉर्न था, उसके संबंध में संदेह था कि इसके साथ कुछ गलत हो रहा है या इसको कहीं बेचने या अन्य की गतिविधि में इसको इन्वॉल्व किया जा रहा है, जिसके आधार पर तुरंत इसमें CSP खंडवा को जाँच दी गई थी, जिन्होंने तत्परता से जाँच करके किया और इसमें जो अनावेदक थे उनसे पूछताछ की गई तो ये पूरी कहानी निकल के आई कि एक नाबालिग बच्ची है, उसको डिलीवरी कराई गई है और उसके बाद इस बच्चे को यहाँ पे बेचने का प्रयास किया गया था संबंधित 5 आरोपियों द्वारा, जिनके खिलाफ जेजे एक्ट, पॉक्सो एक्ट और आईपीसी की विभिन्न धाराओं में उनके खिलाफ हमने FIR यहाँ पे कायम किया है और इन आरोपियों से अभी पूछताछ चल रही है। इसमें टोटल अभी 5 आरोपी इसमें बनाए गए हैं और जैसे पूछताछ चलेगी उसके उपरांत इसमें